गाइस इंस्टाग्राम पे ये वाला साउंड बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। तो इस साउंड पे ज़रूर से जल्दी वीडियो बना लीजिए, क्योंकि इस साउंड पे वीडियो बनाने से हो सकता है आपकी इंस्टाग्राम रील्स बहुत ही जल्दी वायरल हो जाए और आप किसी लेवल पे पहुंच जाओ। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है CapCut, वो आपको ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको फोटोज़ में जाना है। फोटोज़ में जाने के बाद यहाँ पर आपको अपने फ़ोटोज़ चूज़ कर लेने हैं, ठीक है। आपको कितने फ़ोटोज़ चूज़ करने हैं, आपको 8 फ़ोटोज़ अपने चूज़ कर लेने हैं। तो चलिए मैं जल्दी 8 फ़ोटोज़ चूज़ कर लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 फ़ोटोज़ आपको चूज़ कर लेने हैं, उसके बाद ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसे नीचे ये आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा, फॉर्मेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको कर देना है 16:9, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट इमेज पे क्लिक करना है। फर्स्ट इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव बैकग्राउंड, आपको रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है तो इसका बैकग्राउंड जो है रिमूव हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कैनवास का, आपको कैनवास के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कैनवास के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कलर्स में जाना है और यहाँ पर आपको एक कलर दे देना है जो भी आप देना चाहते हो, जैसे मैं ये वाला दे देता हूँ। उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, उसके बाद सिंपल आपको अपने इमेज पे क्लिक करना है। इमेज पे क्लिक करने के बाद ऐसे दोनों फिंगर से ये रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद ऐसे यहाँ नीचे लगा देना है, ठीक है। यहाँ नीचे लगा दिया, उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये सेकेंड फ़ोटो पर जाना है, इस पर क्लिक करना है। सेकेंड फ़ोटो पर जाने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट का, एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको रोटेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। रोटेट करने के बाद आपको दोनों फिंगर से पिंच करके ये बड़ा कर लेना है, ठीक है। सेम नेक्स्ट इमेज पे क्लिक करना है, आप या तो उसमें जाके कर सकते हो एडिट में जाके, या फिर अपनी फिंगर से भी ऐसे इसको रोटेट कर सकते हो फिंगर के यूज़ से और ऐसे बड़ा कर देना, ठीक है। आपको सारी इमेजेस ऐसे बड़ी कर लेनी है, तो चलिए मैं जल्दी इनको बड़ा कर देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने सारी इमेजेस बड़ी कर दी हैं। यहाँ पर एक आपको एंडिंग मिलेगा जिसमें CapCut का लोगो मिलेगा, आपको इस वीडियो पर क्लिक करना है, इसको कर देना है डिलीट क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है। उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, फर्स्ट अपनी इमेज पे क्लिक करना है और इसके ड्यूरेशन को यहाँ से 2.8 कर देना है, जैसे कि आप टाइमिंग देख पा रहे हो, आपको देख लेना है 2.8 कहाँ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जितनी भी इमेजेस हैं, 8 इमेजेस थी, उसमें से पहली इमेज आपको 2.8 कर देनी है, उसके बाद जितनी भी इमेजेस आपको 0.4 कर देनी है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ मैं इसको 0.4 कर देता हूँ, ये वाली हो गई। नेक्स्ट इमेज पर क्लिक करना है, इसको भी आपको 0.4 कर देना है, ठीक है। तो आपको सारी इमेजेस यहाँ पर 0.4 कर लेनी है, तो चलिए इसको भी मैं जल्दी कर देता हूँ। गाइस आप देख सकते हो मैंने जो सारी फोटोज़ की ड्यूरेशन 0.4 कर दिया, फर्स्ट वाली की 2.8 कर दी है। उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, ये मिनिमाइज़ कर देनी है एप्लीकेशन। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है TurboVPN, ये आपको इंस्टॉल कर लेनी है प्ले स्टोर पर जाकर। उसके बाद आपको टैप टू कनेक्ट पर क्लिक करना है, इसको ओपन करके जैसे आप टैप टू कनेक्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर लोडिंग लेना शुरू कर देगा और आपका जो सर्वर है USA से कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको एक बार कनेक्ट होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे प्रोसेस बताऊँगा आगे क्या करना है। आप देख सकते हो यहाँ लिखा आ गया है कनेक्टेड, एक आपके पास 2-4 सेकंड का ऐड आएगा, वो आपको 5 सेकंड तक देख लेना है, उसके बाद ही कर देना है स्किप। जैसे ही आप स्किप कर दोगे आप देख सकते हो यहाँ पर कनेक्टेड लिखा गया है। उसके बाद आपको अपनी CapCut एप्लीकेशन में वापस चले जाना है। वापस जाने के बाद आपको फर्स्ट इमेज पर क्लिक करना है, एनिमेशन के ऑप्शन पर जाना है। एनिमेशन के ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हो ये खुलेगा नहीं, तो आपको क्या करना है, एक बार इस वाली एप्लीकेशन को बंद कर देना है CapCut को, ये एप्लीकेशन आपको दोबारा ओपन करनी है, ठीक है। मैं प्रोसेस में सारी चीज़ बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखते जाना। वही इमेज ओपन कर लेनी है, अपना प्रोजेक्ट इमेज पे क्लिक करना है, एनिमेशन पे क्लिक करना है, अब ये खुल जाएगा। उसके बाद आपको इन के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। इन के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्विंग बॉटम नाम से, देखिए मैं दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो ये वाला मिल गया, ठीक है, स्विंग बॉटम। अब इसकी ड्यूरेशन को आपको क्या करना है, इसको कर देना है 2.1, 2.1, 2, 2.2 इतना आप रख लेना। उसके बाद राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट इमेज पर क्लिक करना है। इमेज पर क्लिक करने के बाद एनिमेशन में जाना है, कॉम्बो में जाना है। कॉम्बो में जाने के बाद आपको ऐसे आगे जाना है, आगे जाना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेंडुलम 2, वो आपको कर देना है। फिर नेक्स्ट इमेज पर क्लिक करना है, इस पर भी पेंडुलम 2, नेक्स्ट इमेज पर क्लिक करना है पेंडुलम 2, पेंडुलम 2, सभी पर आपको पेंडुलम 2 कर देना है, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं, आप देख सकते हो मैंने सबों में पेंडुलम 2 कर लिया है और राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब सिंपल आपको क्या करना है, अब सिंपल आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको फ्रेम रेट को 60 कर देना है, इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा आगे क्या करना है। तो बस मेरी वीडियो को शुरू से ले एंड तक देखते रहिए और पसंद आए तो यार लाइक ज़रूर कर देना। उसके बाद डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोबारा आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है।
न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको वही वीडियो चूज कर लेनी है जो आपने अभी बनाई थी। उसके बाद ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखेगा नीचे ओवरले, ठीक है। ओवरले के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर ऐड ओवरले करना है और यहाँ पर एक और इमेज आपको चूज कर लेनी है। तो चलिए यहाँ पर एक और इमेज चूज कर लेते हैं। अभी आपको एक ही इमेज चूज करनी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये वाली इमेज चूज कर लेते हैं, ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वीडियो जहाँ तक है ना वहाँ तक आपको ये इमेज बड़ी कर देनी है, ठीक है, पूरी वीडियो के बराबर। उसके बाद आपको इमेज पे क्लिक करना है। इमेज पे क्लिक करने के बाद सिंपल आपको वही रिमूव बैकग्राउंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ये आपने कर दिया। अब सिंपल आपको क्या करना है, अब आपको ये फर्स्ट वाली वीडियो पे क्लिक करना है और इसको ऐसे छोटा करना है और ऐसे साइड में लगा देना है छोटा करके, ठीक है। आप देख लेना छोटा बड़ा अपने हिसाब से कितना आप करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना छोटा चाहते हो कितना बड़ा चाहते हो। जैसे मैं इसको इतना कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको इमेज पे क्लिक करना है और वैसे ही इसको रोटेट करके, जैसे और सारी इमेज अपन ने करी थी रोटेट करके ये ऐसे यहाँ नीचे लगा देनी है। तो चलिए इसको लगा देते हैं। छोटा बड़ा अपने हिसाब से देखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, आप बड़ा करना चाहो तो बड़ा कर सकते हो, छोटा रखना चाहो तो छोटा भी रख सकते हो, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दोबारा एनिमेशन के ऑप्शन पर जाना है। एनिमेशन के ऑप्शन पर जाने के बाद वही आपको इन के ऑप्शन पर जाना है और इसमें भी आपको दे देना है क्या, स्विंग बॉटम। मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए कहाँ आता है अपना, ये रहा स्विंग बॉटम। इसकी ड्यूरेशन वही कर देनी है आपको 2.1, ठीक है, ज़्यादा नहीं करनी, 2.1 कर देनी है जो पहले की करी थी। राइट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपल अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वही कौन सा, कैनवास। कैनवास के ऑप्शन पर क्लिक करना है, कलर्स पर जाना है। अब आपको यहाँ पर एक कलर दे देना है, इससे मिलता जुलता या फिर इससे अलग, जैसा भी आप कलर देना चाहते हो। मैं ये वाला दे देता हूँ, थोड़ा डार्क वाला, और राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये वीडियो थोड़ी, अपन इसको सही कर लेते हैं, ये यहाँ इसको इतना कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसे आगे जाना है। अब आपको ये प्लस का ऑप्शन जो दिख रहा है, आपको प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करने में यहाँ पर जो आपने अभी इमेज चूज़ करी थी वही वाली सेम इमेज चूज़ करनी है, उसके साथ छः और चूज़ करनी है। तो एक ये हो गई, दो तीन और ले लेते हैं, चार पाँच छः और एक सात, ठीक है। आपको 7 इमेजेस चूज कर लेनी है और ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ आ गई हैं। अब वही सेम प्रोसेस आपको करना है, क्या करना है, इसको ऐसे रोटेट करना है दोनों फिंगर से और बड़ा कर देना है और यहाँ लगा देना है, और इसकी ड्यूरेशन जो है 0.4 कर देनी है, ठीक है, ध्यान रखना 0.4 करनी है, इससे ज़्यादा मत करना। फिर जो नेक्स्ट आएगी, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक और इसमें ये एडिट वाला आ जाएगा जिस पर लोगो है, उसको आपको डिलीट कर देना है सबसे पहले, वरना ये परेशान करेगा बीच बीच में आगे। नेक्स्ट इमेज पे क्लिक करना है, वही इसको रोटेट कर देना है, रोटेट करने के बाद बड़ा कर देना है, बड़ा करने के बाद इसकी ड्यूरेशन कर देनी है 0.4, ठीक है। तो आपको सारी इमेजेस की ड्यूरेशन 0.4 कर देनी है, सारे ही आपको रोटेट कर देने। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं जल्दी जल्दी इनको करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है गाइस। आप देख सकते हो मैंने 0.4 सेकंड पे ये सेट कर दिए और सारी रोटेट कर दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप देख सकते हो यार ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप इसको अच्छी तरह सेट कर लेना, आप थोड़ा टाइम लगाना तो ये अच्छी तरह सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको यहाँ सेट कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फ्रेम रेट 60 करनी है और इसको कर देना है एक्सपोर्ट, ठीक है। ये एक्सपोर्ट हो जाए उसके बाद मैं अब आपको आगे की प्रोसेस बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना है बहुत ही सिंपल वे में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, उसके बाद डन कर देना है। अब आपको क्या करना है, अब दोबारा न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, जो वीडियो आपने अभी बनाई थी वो दोबारा आपको यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। तो चलिए वीडियो चूज़ कर लेते हैं एल्बम्स में जाके, ये अपन ने चूज़ कर ली, ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सिंपल फिर क्या करना है, वही करना है, ओवरले पे क्लिक, ऐड ओवरले पे जाना है, फोटोज़ में जाना है और यहाँ पर आपको एक और फोटो चूज़ कर लेनी है, केवल एक फ़ोटो चूज़ करनी है, ठीक है, ध्यान रखना। ये वाली चूज़ कर लेते हैं, ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, वही वीडियो की बराबर इसको कर देना है, जितनी बड़ी वीडियो है उतनी बड़ी आपको ये अपनी फ़ोटो जो है कर देनी है। अरे नाटक क्यों कर रही हो, जा जे हो गई, ठीक है। उसके बाद सेम इस पर क्लिक करना है, इसका रिमूव बैकग्राउंड कर देना है। उसके बाद आपको कैनवास के ऑप्शन पे चले जाना है, आपको कलर्स पे जाना है और एक कलर और दे देना है, जैसे मैं दे देता हूँ येलो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वीडियो थी इसको वही छोटा करना है जैसे पहले वाली करी थी, सेम वही प्रोसेस है जैसे पहले वाली करी थी, वैसे आपको ये छोटी कर लेनी है। राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपको वही इमेज पर क्लिक करना है अपनी पे, इमेज पे क्लिक करने के बाद ऐसे रोटेट करनी है, छोटी करनी है और जैसे उसमें बताया था वैसे ही आपको यहाँ पर लगा देनी है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लीजिए जिससे कि जो इफ़ेक्ट है अच्छा सा हो जाए, ठीक है। तो देख लीजिए
इतना काफ़ी है, ठीक है, ये हो गया। चलिए इमेज पे आपको क्लिक कर देना है, एनिमेशन में जाना है। दोबारा क्या करना है, वही आपको इन वाले ऑप्शन पे चले जाना है। इन वाले ऑप्शन पे जाने के बाद वही आपको स्विंग बॉटम कर देना है। स्विंग बॉटम करने के बाद इसको 2.1 रख लेना है। 2.1 रखने के बाद इसको राइट कर देना है। आगे जाना है, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वही आपको दोबारा इमेजेस चूज कर लेनी है। जो आपने इमेज करी है वो सबसे पहले चूज़ करनी है, जो आपने पहले इमेज करी थी चूज वही सबसे पहले करनी है, उसके साथ 6 और कर लेनी है, मतलब टोटल आपको 7 इमेजेस चूज़ कर लेनी है। ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, वही इमेज पे क्लिक करना है, रोटेट करना है, बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद इसकी ड्यूरेशन 0.4 कर देनी है। सबों में आपको यही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है, 0.4 कर देनी है। ऐसे ही दूसरी इमेज, सबसे पहले इस लोगो को ज़रूर डिलीट कर देना वरना ये रह जाता है, ठीक है। उसके बाद वही नेक्स्ट इमेज पे क्लिक करना है, रोटेट करनी है, बड़ी करनी है और इसको कर देना है 0.4। चलिए कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वाली पूरी 0.4 कर देनी है, रोटेट कर करके वो एक्सपोर्ट कर लेनी है। फिर सेम प्रोसेस आपको एक और बार करनी है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये 3 बने हैं ना, आपको ये 4 बनाने में, सारे तो बनाना नहीं सिखा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको ये 4 बना लेने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। गाइज मैंने इसकी 3 लेयर बनाई हैं, आपको एक और लेयर बना लेनी है। जैसे कि आपको पता है इस इफेक्ट में 4 लेयर बनती हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा साउंड चाहते हो। मैं इसको 3 ही बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर दोबारा क्लिक करना है, जो आपने वीडियो बनाई थी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हो, एक बार मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने 3 लेयर बनाई है, ठीक है, तो वो ऐसी बन जाएंगी। आपको चौथी लेयर बनानी है तो सेम प्रोसेस है, जैसा मैंने सेकंड और थर्ड लेयर में बताया था वही आपको फोर्थ लेयर बनानी है, सेम वैसे ही। इसमें वही एंड की जो लोगो आता है उसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये फॉर्मेट पर चले जाना है। फॉर्मेट पर जाने के बाद आपको 916 कर देना है, ठीक है। 916 पे करने के बाद आपको अपनी वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको एडिट के ऑप्शन पे जाना है, इसको कर देना है रोटेट, तो ये ऐसे सीधे हो जाएगी, तो ये सारे इफेक्ट जो हैं सीधे हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद अब आती है ऑडियो की बारी। ऑडियो के लिए आपको एड ऑडियो पे क्लिक करना है, साउंड्स में जाना है। मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको वो वीडियो डाउनलोड कर लेनी है। फिर आपको क्या करना है, एक्सटेंड साउंड फ्रॉम ऑडियो वीडियो पे क्लिक करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट साउंड फ्रॉम वीडियो पे क्लिक करके आपको जो वीडियो थी वो यहाँ पर चूज़ कर लेनी है, तो कौन सी वीडियो थी मेरी, ये वाली, ठीक है। इसके बाद आपको इंपोर्ट साउंड ओनली पे क्लिक करना है। इंपोर्ट साउंड ओनली पे आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्टेड लिखा जाएगा, इसका मतलब आपकी जो ऑडियो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, ये आपको प्लस के साइन पे क्लिक कर देना है, तो आपकी ऑडियो यहाँ पर चूज़ हो जाएगी, ठीक है। ऑडियो मैं ऑफ कर देता हूँ, एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ अपना क्या इफेक्ट बना है। ध्यान रखना, फर्स्ट वाले पे आपको देना है, फर्स्ट इमेज पे जो है आपको देना है स्विंग बॉटम, और सातों इमेज पे, बाद की सातों इमेज पे आपको देना है पेंडुलम 2। इस चीज़ का जरूर से ध्यान रखना, ठीक है। आप देख सकते हो ये साउंड आ गया, तो ये फोर्थ लेयर के लिए। मैंने यहाँ 3 लेयर बनाई है, आप 4 लेयर बना लेना, सेम वही प्रोसेस है। तो यार बस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, अगर पसंद आएगी तो लाइक कर देना। कोई भी दिक्कत आ रही हो, कैसी भी दिक्कत आ रही हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग, कूल और अमेजिंग वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो यार बस चलता हूँ, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।